Seven, आज की इस वीडियो के अंदर हमें हमने डिटेल्ड रिविजन वीडियो अपलोड कर दी है पहले आप इसको फोरेंसिक मेडिसिन वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना फोरेंसिक आस्पेक्ट ऑफ बोर्डिंग पार्ट वन तो आज हम पार्ट टू को स्टार्ट करने वाले फायर आम इंजरी को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना है स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो ओके okay? तो जो फॉरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ बोर्डिंग है आपको बता चुका फायर ऑफ इंजरी के ऊपर पूरा चैप्टर है और इसके अंदर आपने कुछ वर्ड्स को पढ़ना है जिसको बोलते हैं बैलिस्टिक्स ठीक है तो पहले बैलिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं पहले लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू तो फायर ऑफ इंजुरी और पहले से बता दू कि ये चैप्टर उन लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा होने वाला है जो पबजी फ्री फायर और ये सब चीजें टाइप ऑफ गेम्स खेलते हैं

फिर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो एंड्री वूंट डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे लगाए फर्म कॉन्टैक्ट पर क्या आएगा क्लोज कॉन्टैक्ट पर क्या आएगा फार डिस्टेंस के ऊपर क्या आएगा और आपको बताता चाहूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना कि गोली कहाँ से मारी है किस जगह से मारी है डिस्टेंस ऑफ शूटिंग ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो डिस्टेंस वाला या रेंज वाला एम सी क्यू या एस सी क्यू प्रैक्टिकल में भी आ जाता है ओसपी में भी आ जाता है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जैसे पहला पॉइंट होता है एंट्री uh, वोड तो पहली हेडिंग होगी एंट्री वोड की फिर दूसरी हेडिंग है ट्रैजेक्टरी विद डायरेक्शन तो ट्रैजेक्टरी विद डायरेक्शन है फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होती है फिर है बुलेट रेस्टिंग प्लेस तो बुलेट की क्या होगी रेस्टिंग प्लेस होगी आई थिंक इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ होगा आ, इसके बाद सुसाइडल कट थ्रॉट है ये सब चीजें हैं एविंग पॉस्टुलेट चलो ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर ये सब चीजें आपने पढ़नी है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो जब भी कोई फायर आम वेपन की बात करती है तो फायर आम वेपन एज अ ग्रुप इसमें बहुत सारे वेपन्स आ जाते हैं जिसमें रिवॉल्वर है अगर आप रिवॉल्वर को देखो तो दे, रिवॉल्वर है राइफल है शॉर्ट गन होती है बॉम्ब होता है तो चार चीजों को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं फायर आम वेपन बोलते हैं ओके ठीक हो गया अब फायर आम वेपन एक वर्ड जो आपने पढ़ना है वो है बैलिस्टिक बैलिस्टिक ये वो साइंस होती है ये वो फिजिक्स होती है जिसके अंदर आप फायर आर्म्स और इनकी एमोनिशन की स्टडी करते हो। एमोनिशन जिसको आप मैगजीन वगैरह बोलते हो जैसे इसका ये एमोनेशन है ओके ये इसका एक एमुनिशन है तो और इनके एमोनिशन की स्टडी को और वो तमाम फैक्टर्स जो के, और के बैलिस्टिक को डील करते हैं बैलिस्टिक्स को स्टडी करते हैं बोलते है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ठीक हो गया तो आर्म और इसके एमोनिशन को चाहे वो बुलेट है चाहे वो कारतूस है जिसको हम क्या बोलते हैं कार्टरिच वाला बोलते हैं ठीक है तो हमने इसकी स्टडी करनी है ओके okay? तो जो बैलिस्टिक्स uh, होती है ये बैलिस्टिक्स तीन टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन फोर्स किस जगह पे अप्लाई हो रही है एक होती है एंटीरियर बैलिस्टिक या बैलिस्टिक दूसरी होती है एक्सटीरियर बैलिस्टिक और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक और तीसरी होती है टर्मिनल बैलिस्टिक या वोल्ड uh, कॉम्प्लेक्स होता है क्या इंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर आपने फायर आर्म और इसके प्रोजेक्टाइल की स्टडी करनी है प्रोजेक्टाइल वो चीज जो किसी बंदूक से जो फायर आर्म से निकलती है बुलेट निकल सकती है या फिर कार्टविच निकल सकता है ओके okay? ठीक हो गया ओके okay, तो यानी आपने सिर्फ इंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर आपने प्रोजेक्टाइल के प्रोपल्शन को पढ़ना है जब तक वो बैरल के बोर तक है अब बैरल क्या होता है अब बैरल ये वाला एरिया होता है बोर जो उसका आखिरी वाला सुराख होता है उसको क्या बोलते हैं बोर बोलते हैं उसका बोर्ड देखो स्मूथ बोर्ड है और इसका राइफल्ड बोर्ड है इसमें आपको क्या नजर आ रही है इसमें आपको प्रोजेक्टिंग रिज और ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ओके तो ये वाला जो एंड होता है इसकी जो नाल होती है बंदूक की उसको बोलते हैं बैरल ओके तो हमने उस वक्त तक प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना है जब तक वो अभी तक बैरल ओर के अंदर पड़ा हुआ है ठीक हो गया ओके और अभी तक वो सिर्फ बैरल के बोर तक अंदर है बाहर नहीं निकला जो इसका टर्मिनल लैंड होता है उसको बोलते हैं मुर्जा लैंड इसको बोलते हैं मुज्जा लैंड ठीक हो गया ओके के पार्ट्स को भी थोड़ा सा देख लेना नेट से कोई तस्वीर डाउनलोड कर लेना जिसके अंदर पूरे के पूरे फायराम के पार्ट्स आपको नजर आ रहे हो गए अगर मैं आपको इस उसमें दिखाऊँ तो ये वाला जो उसका टर्मिनल एंड होता है किसी भी बंदूक का फायराम का उसको बोलते हैं मुजेल एंड जो उसकी एक बैरल होती है जिसको नाल बोलते हैं ठीक है तो गोली यहाँ से निकली और यहाँ तक तो इतना इतनी ड्यूरेशन में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है फायर आम के ऊपर और इसकी एमोनिशन के ऊपर पूरे जक्टाइल के ऊपर तो उसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल बैलिस्टिक और फिर वो जो निकल गई है ठीक है निकलने के बाद यानी फायर आर्म से निकल गई है और टारगेट को हिट करने से पहले पहले उसमें कितनी फोर्सेस काम कर रही है उसकी स्टडी को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक बोलते हैं और लास्ट है टर्मिनल बैलिस्टिक जिसमें वो प्रोजेक्ट पूरी बॉडी को हिट करेगा और इसमें जो सारा डैमेज होगा तो उसकी स्टडी को बैलिस्टिक या टर्मिनल बैलिस्टिक या कॉम्प्लेक्स बढ़ते होते हैं ठीक है ओके तो स्टार्ट करते हैं पहले इंटरनल बैलिस्टिक तो इंटरनल बैलिस्टिक के अंदर आपने वो वो तमाम फोर्सेस पड़नी है जो कि प्रोजेक्टाइल को प्रोपल करती है प्रोपल्शन करवाती है बुलेट हो सकता है या शॉर्ट चार्ज हो सकता है ओके शॉर्ट चार्ज हो सकता है ओके तो और आपको यह भी बता दो एंटीरियर वाला एंड जिसको मुजल एंड बोलते हैं एक होता है इसका ब्रीच एंड और इसके ऊपर एक प्रकशन पिन भी होती है जो असल में आके फोर्स अप्लाई करती है इसका टेपर होता है चैंबर होता है जो कार्टरेज को का अकोमोडेट करता है ये इसका ब्रीच एंड होता है फिर एक ब्रीच प्लेट होती है प्रकशन होती है ठीक हो गया अब पहला लिखा हुआ इंटीरियर बैलिस्टिक तो इंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है इंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर आपने वो तमाम फोर्सेस ऑफ एक्सपल्शन जो किसी भी प्रोजेक्टाइल uh, के ऊपर लगती है जब तक वो अभी बोर ऑफ बैरल तक पहुँच चाहे म्यूजरलैंड तक पहुँच चाहे म्यूजरलैंड से भी निकला नहीं है ठीक हो गया अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है पहला वर्ड है बैरल बैरल लॉन्ग भी हो सकती है या शॉर्ट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन उसका डिजाइन कैसा होता है यानी आपने इंटीरियर या इंटरनल बैलिस्टिक के अंदर बैरल और कार्टिलेज लिखा हुआ कार्टिलेस बड़ी गंदी चीज़ है एक काटरेच है काटरेच और तीसरी चीज़ आपने चेन ऑफ इवेंट्स पढ़ने हैं यानी आपने इंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर बैरल काटरेज एंड चेन ऑफ इवेंट्स पढ़ने हैं अब पहला स्टार्ट करते हैं बैरल हम इसके पॉइंट्स बना लेते हैं याद करने में आसानी होगी तो पहला है बैरल अब बैरल अब डिपेंडिंग अपॉन उस का डिजाइन कैसा है तो वो लॉन्ग भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है और बैरल के दो एंडस होते हैं एक होता है एंटीरियर एंड और एक होता है ब्रिज एंड जो क्लोज होता है और लास्ट में इसका एक सुराख होता है ठीक है यानी इसकी एक लेंथ होती है जो लॉन्ग या शॉर्ट हो सकती है दो एंड्स होते हैं ब्रिज है और मुजल है अब डिपेंडिंग अपॉन उसका जो बोर है वो बोर भी डिफरेंट शेप का हो सकता है ओके तो वो स्मूथ बोर्ड भी हो सकता है वो राइफल्ड बोर भी हो सकता है यानी जो शॉर्ट गन होती है वो स्मूथ बोर्ड होती है स्मूथ बोर्ड वेपन होती है इस केस में जो इसका ल्यूमिन होता है या उसका बोर होता है वो चौकड होता है यानी स्मूथ सिलेंड्रिकल होता है ठीक है चौकड भी हो सकता है या स्मूथ सिलेंड्रिकल भी हो सकता है ओके

एंटीरियर एंड के ऊपर जो शॉर्ट गन का बोर होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं चौकिंग तो चोकड भी हो सकता है या स्मूथ सलेंट्रिकल भी हो सकता है जबकि के इस केस में राइफल बोर वेपन के अंदर जो राइफ होता है वो जो राइफल का बोर होता है उसमें प्रोजेक्टिंग रिजिस होते हैं अगर इनमें रिजिस होते हैं और ग्रूवस होते हैं उभार होते हैं तो जो रिजिस होते हैं उसको लैंड्स बोलते हैं और शैलो स्पैरल ग्रूवस को राइफलिंग बोलते हैं ओके इनको आप राइफलिंग बोलते हैं तो ये तो हो गया बैरल यानी जो स्मूथ बोर्ड सिलेंड्रिकल या चौक था हो सकता है चौक का मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है आखिर पर ताकि उसकी वेलोसिटी और रेट

करेगी गैस प्रेशर लगेगा और इस प्रेशर से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करना है तो इस डिवाइस को बोलते हैं फायराम अब जो फायराम की अब फायराम से क्या निकलता है फायराम से प्रोजेक्टाइल निकलता है यानी ऐसा डिवाइस हो कि प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करता तो है तो उसको बोलते हैं अब फायराम प्रोजेक्टाइल की क्या डेफिनेशन होती है? कोई भी चीज जो से पास करती है वो बुलेट भी हो सकती है वो कार्टरेटन से निकलते हैं है। तो कोई भी चीज फायर आर्म से निकलती होती है और वो किसी मीडियम में से पास करती है चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड मीडियम है चाहे एयर वाला मीडियम है तो उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल आपको बताया था कि फायर आर्म की डिफरेंट टाइप्स होती है एक होता है राइफल फायर आर्म एक होता है ठीक हो गया स्मूथ बोर्ड फायर आर्म और तीसरा होता है एयर पिस्टल्स एंड एयर गन्स या फिर इनको पिस्टल्स रिवॉल्वर वगैरह क्या लेते हैं ठीक है ओके तो पहला हम पढ़ लेते हैं राइफल के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये चीज़ आगे ना दी हुई हो तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू देना चाहिए तो जो राइफल फायर आम होती है राइफल फायर आम में होता क्या राइफल फायर आम में एक सिंगल बुलेट राइफल की बैरल से निकलता है जबकि स्मूथ बोर्ड फायर आम में होगा क्या इसमें मल्टीपल लेड

पिस्टल्स हैं मशीन गन है, स्टन गन है, इनको है, बोलते हैं शॉर्ट बैरल राइफल फायराम जबकि लॉन्ग बैरल के अंदर राइफल्स आ जाती है मिलिट्री राइफल्स आ जाती है सपोर्टिंग राइफल्स आ जाती है उसके तो अलावा ए के एस फोर्टी सेवन आ जाएगी ठीक है अब बात करते हैं स्मूथ बॉर्ड फायराम की तो, तो स्मूथ बोर्ड फायराम है इसमें मल्टीपल लेट के पैलेट्स निकलते हैं अब डिपेंडिंग अपॉन उसकी लेंथ क्या होती है कुछ लॉन्ग बैल्ट होता है कुछ शॉर्ट बैल्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बैरल ये सिंगल बैल्ट हो सकता है डबल बैल्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मेकेानिजम ऑफ लोडिंग है मुजल लोडिंग है ब्रीच लोडिंग है या उसमें चौकिंग होगी या नहीं हुई दोबारा बता देता हूँ चौकिंग एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि जो शॉर्ट है या स्मूथ बॉर्ड वेपन है उसका जो एंटीरियर एंड होता है मुजल एंड होता है उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड होता है तो इसको बोलते हैं हम चौकिंग चोकिंग के वजह से रेट ऑफ सेपरेट कम से कम हो जाता है एक्सप्लोसिव फोर्स वेलोसिटी और रेंज बढ़ जाती है ओके तो ये होता है फायदा चोकिंग का ठीक है लेकिन जो राइफल के अंदर राइफलिंग होती है राइफल के फायदा क्या होता है राइफलिंग का फायदा क्या होता है राइफलिंग का फायदा ये होता है कि इसको गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी मिल जाती है एक्यूरेसी और रेंज बढ़ जाती है वॉबलिंग कम से कम होती है या जिसको टम्बलिंग एंड ओवर एंड बोलती है और ग्रेटर पावर ऑफ पेनिट्रेशन मिलती है इन ज, इनके चौकिंग के भी फायदे हैं और राइफलिंग के भी फायदे हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो राइफलिंग के फायदे हैं उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एक्ोरेसी और रेंज बढ़ जाती है पावर ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ जाती है और वॉबलिंग प्रिवेंट होती है जबकि उसमें रेट ऑफ सपरेट काम होता था एक्सप्लोसिव फोर्स विलोसिटी एंड रेंज बढ़ जाती है तो ये थे फर्क चौकिंग की और राइफलिंग की नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपको बता रहा था कि जो राइफल फायराम होता है राइफल फायर आम स्मूद फायराम और इनमें क्या चीज़ें होती है आपको पता है कि जो जो होता है हमारा स्मूथ बोर्ड शॉर्ट गन होती है इसमें से प्रोजेक्टाइल पायलट्स होते हैं जबकि इसमें जो प्रोजेक्टाइल होता है वो बुलेट होता है ठीक है प्रोजेक्टाइल क्या होता है बुलेट होता है आपको बताती है कि इसमें वैट मौजूद होता है इस वाले में लेकिन इस वाले में वैट मौजूद नहीं होता अब वैड क्या होता है मैं आपको दोबारा बता लूंगा मैं बताऊंगा जो इस, इसमें कार्डबोर्ड डिस्क होती है इसमें कार्डबोर्ड डिस्क नहीं होगी ओके इसमें जो केसिंग होती है पीछे से मेटालिक होती है आगे से कार्डबोर्ड डिस्क होती है लेकिन इसमें जो केसिंग होती है वो तकरीबन पूरी की पूरी क्या होती है मेटालिक होती है ओके ठीक है अब हम एक्सप्लेन करते तो अपने टॉपिक की तरफ आ जाती है तो बैरल को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था ठीक है बैरल को हमने पढ़ लिया था अब हम पढ़ लेते हैं कार्ट्रिज को पढ़ लेते हैं ठीक है फिर हमने थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल को भी देख लेना है ओके okay. तो जो कार्टरेज होता है कार्टरेज एक एमोनीशन का एक यूनिट होता है एमुनिशन क्या होती है ये जो ये जो वाली चीज़ है ना ये वाली चीज एमोनिशन जिसको मैगजीन बोलते हो इसका एक वन यूनिट होता है अब कार्टरेज के अंदर डिफरेंट चीजें होती है कार्टरेज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ओके okay. ठीक है तो पहले तो मैंने बैरल को तो एक्सप्लेन कर दिया कि बैरल एक स्टील ट्यूब है जिसमें प्रोजेक्टाइल बाहर की तरफ मूव करेगा इसका एक या ब्रीच एंड होता है जो क्लोज होता है प्रोक्सिमल एंड होता है ठीक है ओके जो कि एमुनिशन को लॉट करता है और जो मुर्जा लैंड होता है ये ओपन होता है और डिजिटल लैंड के ऊपर पड़ा हुआ होता है अब बैरल चॉक्ड भी हो सकता है और नॉन चॉक्ट हो सकता है तो चौक का फायदा क्या होता है चौकिंग का फायदा क्या होता है कि रेट ऑफ सेपरेट कम से कम होता है एक्सप्लोसिव फोर्स विलोसिटी और रेंज बढ़ जाती है ठीक है ओके जबकि राइफलिंग का फायदा क्या होता है कि गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी आ जाती है पावर ऑफ पेनिट्रेशन आ जाती है एक्यूरेसी और रेंज आ जाती है और ये टम्बलिंग को वॉबलिंग को मिनिमाइज कर देती है ठीक हो गया ओके सॉरी <coughs> अब एमोनेशन डिजाइन को पढ़ लेते हैं अब जो एमोनेशन का डिज़ाइन होता है आपको बताया था कि जो कारतूस होते हैं स्मूथ बॉर्ड वेपन के अंदर होते हैं शॉर्ट गन्स के अंदर कारतूस होते हैं जबकि जो राइफल्ड के अंदर होते हैं उसके अंदर क्या होती है बुलेट्स होती है ठीक हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ट्रिज को अब कार्ट्रिज के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कार्ट्रिज है अब कार्ट्रिज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ठीक है सबसे पहले इसका एक बड़ा सा केसिंग होती है केस ओके यानी कार्ट्रिज केस होता है इसके अलावा इसमें एक प्रोपेलेंट चार्ज पार्टिकल होगा प्रोपेलेंट मटेरियल होगा प्रोपेलेंट मटेरियल होगा जिसने को प्रोपेल करना है उसने या गन पाउडर जिसको बोलते हैं हैं वेड होते है, जो कि प्लास्टिक वाली चीज़ें होती है और लास्ट है प्रोजेक्टाइल जिसको उसने फेंकना है ठीक है तो अगर मैं आपको ये डायग्राम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ओके तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाता तो हूँ डिफरेंट बुक्स से तो इस डायग्राम में देखो तो इसकी आपको एक पूरी कार्टरेज की केस नजर आ रही होगी ये वाला ये वाला क्या है ये वेट है वेट ठीक है वेट जो कंप्रेस पेपर का बना हुआ होता है ओके और ये वाला प्राइमर है जो आगे पुश करेगा ठीक है और ये पाउडर का चार्ज है या गन पाउडर है या पाउडर का चार्ज है या गन पाउडर है ठीक है जो ब्लैक रंग का होता है स्मोकलेस पाउडर होता है ये प्रोपेलेंट चार्ज बोलते हैं ठीक है या शॉर्ट पाउडर बोलते हैं ओके और जिसको उसने शूट करना है ठीक है प्रोजेक्टाइल वो भी इसमें मौजूद होगा ठीक है तो ये थे इसके काटरेज के पार्ट्स होते हैं तो काटरेज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं दोबारा बता देता हो काटरेज के इसके केस होता है अब केस में मजीद क्या क्या, -क्या चीज़ें हो सकती है केस में यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर प्राइमर है ओके okay? प्राइमर है पाउडर चार्ज है ओके यानी केस हैविंग प्राइमर ये बस ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा दूसरी चीज़ पाउडर चार्ज है ओके वेट होगा इसमें और लास्ट है प्रोजेक्टाइल जिसको वो पुश करेगा ओके okay? और ये चीज़ें फिट बैठती है किस एंड पर जिसको बोलते हैं प्राइमर ठीक है प्राइमर अगर आप इस डायग्राम में आओ तो इस डायग्राम में आपको प्राइमर नजर आ रहा होगा प्राइमर या डिटोनेटर ओके तो प्राइमर होता है क्या है प्राइमर ये बेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है अब ये वो पार्ट है जिसने फायर करना है ठीक है प्राइमर क्या होता है प्राइमर एक समॉल चार्ज होता है किसका इंपैक्ट सेंसिटिव केमिकल का जो कि सेंटर ऑफ केस हेड के ऊपर लगा होता है अब जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगी प्रकाशन कैप या प्रकाशन पिन तो फौरन ही ये प्राइमर में आग लग जाएगी ठीक हो गया यानी जो तो प्राइमर का जो है ना प्राइमर से फोर्स लगेगी पाउडर के पास और पाउडर इग्निट हो जाएगा आग लग जाएगी बाय द इम्पैक्ट ऑफ गन फायरिंग अब इसमें लेड स्टाइफनेट होता है बेरियम नाइट्रेट होता है एंटी मनी सल्फाइड होता है लेड परऑक्साइड होता है पोटेशियम क्लोरेड होता है टाइट्रोसिन होता है इसकी डिफरेंट कंपोजिशन है लेकिन यहाँ पर बेरियम लिखा हुआ है लेड लिखा हुआ है ठीक है तो यानी यानी जो प्राइमर होता है क्या दोबारा बता देता हूँ जो तो प्राइमर होता है प्राइमर असल में जो ये वाली जो चीज है ना यहाँ पर ये जो चीज पड़ी हुई है इस चीज को बोलते हैं प्राइमर जो कि कार्ट्रिज के बेस के ऊपर पड़ा हुआ है और जिसका मेन फंक्शन है कि जब इसको प्रकशन कैप हिट करेगी है? या प्रकशन टिप हिट करेगी तो फिर इसके बाद होगा क्या प्रकशन हिट करेगी तो उसके बाद ये जो गन पाउडर है उसको आग लगा देगा जब आग लग जाएगी तो फिर असल में एक चेन ऑफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो हमने यहां पर भी पढ़नी है तो पहला बात तो होगी प्राइमर की जो प्राइमर एक इंपॉर्टेंट पार्ट था किसका कार्ट्रिज केस का ओके जो कार्टरेज केस होता है राइफल फायर आर्म के केस में वैसे ये ब्रास से बना होता है स्टील से बना होता है एल्यूमिनियम वगैरह से बना हुआ होता है ठीक है ओके तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर पाउडर चार्ज की तरफ अब जो पाउडर चार्ज या प्रोपेलेंट चार्ज या गन पाउडर होते हैं दो टाइप का होता है वैसे तीन टाइप का होता है ब्लैक स्मोकलेस सेमी स्मोकलेस जो ब्लैक वाला होता है के एन ओ थ्री से उसका मीमोनिक होता है पी सी एस अब पी सी होगा पोटेशियम तो पोटेशियम नाइट्रेट है ऐसे सल्फर है और सी से चारकोल होते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर और सल्फर ये ब्लैक होता है जबकि स्मोकलेस में नाइट्रोसे नाइट्रोसेलॉस और नाइट्रोग्लिसरीन ना आ जाएगा और सेमी स्मोकलेस में आप 80 परसेंट ब्लैक यूज़ करोगे और 20 परसेंट स्मोक लेस पाउडर यूज़ करोगे ओके तो ये तो बात होगी पाउडर चार्ज की ठीक है अब इसके बाद आप इधर आ जाओ वेट की तरफ तो जो वेट होता है अब ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली अगर आप यहाँ पर आओ तो ये वाली जो चीज़ है ये वाली तो ये बनी होती है वेट से अब वेट होता क्या है अब वेट एक कॉर्क का बना होता है या किसी दूसरे मटेरियल का बना होता है जो असल में पोडल चार्ज और प्रोजेक्टाइल इन दोनों को आपस में सेपरेट कर देता है तो ये वाला पोडल चार्ज है और ये वाला प्रोजेक्टाइल होता है तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला काम कौन करता है वेट करता है ठीक हो गया ओके okay? और जो प्रोजेक्टाइल आपको बताया था कि शॉर्ट गन के अंदर प्रोजेक्टाइल क्या होता है <coughs> शॉर्ट गन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल होता है वो पैलेट्स होती है लेट के पैलेट्स होती है जबकि इस केस में जो राइफल में होता है जो प्रोजेक्टाइल होता है वो बुलेट्स होती है ठीक है ओके तो आपको बता दीजिए कि यहाँ पे प्राइमर कैप होती है जिसको हिट करेगा परकशन कैप ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वेड्स के बारे में लिखा कि कॉर्क से बना होता है इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल अब जो प्रोजेक्टाइल होता है मेनली लेट से बना होता है प्रोजेक्टाइल दो टाइप का होता है ओके okay? बुलेट जो कि सिंगल टाइप की होती है और एक शॉर्ट चार्ज जो कि बहुत सारे मल्टीपल लेट के पैलेट से बने हुए होते हैं ओके ठीक है, okay? है? यानी जो प्रोजेक्टाइल होता है वो पैलेट्स भी हो सकते हैं बुलेट्स भी हो सकते हैं जो पैलेट्स होते हैं जिनको शॉर्ट चार्जेस बोलते हैं या फिर शॉर्ट्स बोलते हैं स्मूथ बॉर्ड वेपन के अंदर होते हैं जबकि बुलेट्स राइफल बॉल वेपन के अंदर होती है ठीक है सॉफ्ट लेट से बनी हो सकती है या फिर हार्ड लेट से बनी हुई होती है जो बुलेट्स होती है अब बुलेट्स की भी डिफरेंट टाइप होती है ओके आई थिंक उसको टाइप्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है अब हम आ जाते हैं चेन ऑफ इवेंट्स की तरफ कि सबसे पहले अगर आपने ट्रिगर के ऊपर बटन दबाया तो यहां से प्रकशन कैप ने हिट किया किसको हिट किया फायरिंग uh, पिन ने किसको हिट किया प्राइमर को फिर प्राइमर ने साइकिल को स्टार्ट कर देना तो सबसे पहला स्टेज वन क्या होगा स्टेज वन यहां पे लिखा के, हो कि साइकिल स्टार्ट क्यों फायरिंग पिन ने प्राइमर को स्ट्राइक कर दिया नंबर टू जो पाउडर है गन पाउडर है उसको आग लग जाएगी आई थिंक नजर नहीं आ रहा आपको ओके नंबर टू नंबर टू पाउडर चार्ज या गन पाउडर जिसको आग लग जाएगी स्मोकलेस सेमी स्मोकलेस या मिक्सड दोनों हो सकता है उसको आग लग जाएगी जब आग लगेगी तो फिर गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी हाई टेम्परेचर के ऊपर अब गैस की कंपोजिशन डिफर करती है कि कौन सा हमने पाउडर यूज किया जनरली कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन हो सकती है या सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन हो सकती है मिथिन हो सकती है इसके बाद जब चैम्बर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो चैंबर का प्रेशर जीरो से लेकर फोर तो टू सिक्स टन में बढ़ना शुरू हो जाएगा रिवॉल्वर के लिए और तकरीबन बीस टन होगा राइफल के लिए ठीक है ओके ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ गैस फिर चैम्बर का प्रेशर इक्वली डायरेक्शन में काम करेगा हर जगह पर अपॉन बैरल ब्रिच एंड ठीक है फिर इसके बाद लास्ट होती है सॉरी स्टेज फाइव में जो मेटल स्ट्रेंथ होती है किसकी जो हमारा फायर आर्म के जो मेटल स्ट्रेंथ होगी वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करेगी और इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के बाद ये सारा का सारा प्रेशर प्रोजेक्टाइल पे लगा देगी और यह प्रोजेक्टर आगे की तरफ मूव करेगा राइफल के केस में जो बुलेट्स होती है बुलेट्स पर ना सिर्फ एक्सेलेशन के अलावा ग्रोविंग इफेक्ट भी अप्लाई होता है ताकि हम इसकी रोटेशन को बढ़ा सके अलॉन्ग द एक्सिस लास्ट है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो बैरल से एग्जिट कर जाएगा वापस इस फायर आर्म का प्रेशर जीरो पे आ जाएगा दोबारा सारे सुन लो चेन स्टार्ट होती है फायरिंग पिन की स्ट्राइकिंग से पाउडर को आग लगेगी गैस प्रोड्यूस होगी प्रेशर ज़्यादा होगा प्रेशर इक्वली डायरेक्शन में जाके काम करेगा अपॉन बैरल ब्रीच एंड फिर बैरल मेटल स्ट्रेंथ इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के बाद प्रोजेक्टाइल पर सारा प्रेशर लगा देगी फिर प्रोजेक्टाइल इस बैरल को एग्जिट कर देगा और प्रेशर वापस जीरो पे आ जाएगा तो ये सारा बेसिक ओवरव्यू था इस सफ़े को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी काफ़ी अच्छा मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया है अच्छा खुद ही अपनी तारीफ कर रहा हूँ तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़